चैनल पे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि डिजिटल करेंसी जो इंडिया का भी लॉन्च हो चुका है, अभी कुछ गिरे चुने बैंक ही डिजिटल यूज कर पाएंगे। जैसे आप UPI यूज करते हैं, उसी टाइप का आप डिजिटल करेंसी यूज कर पाएंगे इंडिया का। तो ये बहुत बड़ी अचीव है कि इंडिया पे डिजिटल करेंसी आ चुका है। तो उसको कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बताएंगे कि आप यूज कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आप डिजिटल करेंसी आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कि आप UPI यूज करते हैं, आप कोई भी ऐप से जैसे डिजिटल कहीं भी इस QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, सेम उसी टाइप का करेंसी आप यूज कर पाएंगे पूरे, लेकिन इंडिया में आप यूज कर पाएंगे। उसको कैसे यूज करना है, चलिए इस बारे में बताने वाले हैं। कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करने से क्या होगा और कैसे यूज कर पाएंगे, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ICICI बैंक का आप ऐप अगर यूज करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक हम डाल देंगे, वहां से आप डिजिटल करेंसी को आप ऐप डाउनलोड करके खुद से रजिस्टर करके आप चेक आउट कर सकते हैं कि उस पर कैसे यूज करना है, उसको यूज कैसे करना है, इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। अभी फिलहाल SBI का, ICICI का, ICICI बैंक का अगर यूज करते हैं तो अभी फिलहाल हम आप साइड स्क्रीन में सारा कुछ देखिए कि ICICI बैंक का हमने डाउनलोड करना है और कहां से करना है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डायरेक्ट वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम डाउनलोड करके देखते हैं मेरा रजिस्टर होता है कि नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ICICI बैंक का हमने इंस्टॉल किया। आपका अकाउंट ICICI में है चाहे नहीं है तो आप रजिस्टर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई भी ऐप आप UPI यूज करते हैं, सेम उसी तरह टाइप का आपको यूज करना है कोई भी ऐप। तो चलिए हम ICICI को इंस्टॉल करते हैं। आप इंटरफेस देख सकते हैं किस टाइप का दिख रहा है, एकदम बहुत अच्छा ही लग रहा है देखने में, बहुत मज़ा आ रहा है। देख सकते हैं ई जो लिखा हुआ है और हिंदी का जो रॉ रहता है वो देख सकते हैं, कितना स्टाइलिश लग रहा है देखने में, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे ICICI पावर बाय ICICI बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इंटर नीचे का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इंटर पे जैसे आप क्लिक करते हैं उसके आगे के प्रोसेस पे आपको लेके चलेगा। तो इंटर करने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है टर्म एंड कंडीशन, इसको बहुत लंबा लिखा हुआ है, इसको पूछने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम चलिए एक्सेप्ट करते हैं आगे की प्रोसेस पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिम वेरीफाई करेगा, जो भी एक नंबर दो नंबर जो भी जितने भी सिम लगा है आपका वो सिम को वेरीफाई करेगा। तो चलिए हम सिम को वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, वेरीफाई सिम जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक करते हैं, उसके आगे देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। अभी सिम वेरीफाई पे जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर आपका सिम वेरीफाई ले लिया तो सोचिए कि आपका काम हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लीज वेट बता रहा है, वेटिंग करने के लिए बता रहा है। तो मेरा फेल्ड हो चुका है, सिम को वेरीफाई नहीं किया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पायलट प्रोग्राम इज फुल, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्टेड, यानी कि आप इस पर इंटरेस्ट हैं। ये जो ट्रायल जो चल रहा था कुछ ही गिने चुने लोगों के लिए, चाहे जो पहले फर्स्ट यूजर थे उसी के कारण से ये फर्स्ट अभी फुल हो चुका है। इसको RBI फिर से एक बार जब आ जाएगा इसका ऑप्शन, तो उस टाइम आप इंटरेस्ट यानी कि आप इसको यूज कर पाएंगे। फिलहाल अभी तो अभी स्टॉप कर दिया है, लेकिन जो इसके आगे क्या करना, आगे आपको क्या करना है चलिए दिखाते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद ये सक्सेसफुल हो चुका है वेरीफाई, ये SBI का ऐप पे हुआ है, फिलहाल अभी ICICI पे फुल हो चुका है, पहले ही रजिस्टर कर लिए थे आपको आप लोग को दिखाने के लिए। तो चलिए अब दिखाते हैं कि SBI का ये ऐप है। यहाँ पे आपका जो फिंगरप्रिंट है, जो भी आप लॉक अगर फिंगर पैटर्न या फेस लॉक रखें, जो भी लॉक रखें उसको इनेबल करना होगा, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस करना है। तो चलिए आगे देखिए पूरा वीडियो, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो भी आपका अकाउंट में अगर आप जो सेव करना चाहते हैं तो वो नेम आपको देके आपको पे आगे बढ़ा देना है। रिकवर के लिए आपको 6 डिजिट का पिन बनाना होगा, जैसे आप UPI पे 6 डिजिट का पिन बनाते थे उसी तरह आप रिकवर के लिए ये 6 डिजिट पिन आप बना लीजिएगा। आप एक ऑप्शन दिखेगा गेट रिकवरी कोड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको आगे की एक OTP आपके मोबाइल पे सेंड करेगा। चलिए 6 डिजिट का पिन आप जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद एक ऑप्शन आपको आगे देखने को मिलेगा। चलिए मतलब है आपके नाम से जो करेंसी होंगे आप ही के नाम से ये करेंसी यहाँ पे वैलेट पे स्टोर रहेंगे। ऐसे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, कंटिन्यू, उसके बाद आधार KYC, उसके बाद आपको जो भी आपका अकाउंट है जैसे स्टेट बैंक में है चाहे ICICI बैंक में जहाँ भी है ये लिंक आपका, 3 ऑप्शन। अगर फुल KYC करना चाहते हैं तो उस बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, अगर आधार से KYC करना चाहते हैं तो आधार से आप KYC कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो अगर फुल KYC करना चाहते हैं तो आपका उस बैंक पे अकाउंट होना चाहिए, जो बैंक आपका है उस बैंक को होना चाहिए। तो चलिए हम जो भी फुल अगर KYC करना चाहते हैं तो आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा जो भी बैंक में आपका है, तो वहाँ पर
आपको क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं उसके बाद आप कुछ ऑप्शन आपको प्लीज वेट करने के लिए बोला जाएगा, उसके बाद आप फुल केवाईसी के आगे चल जाएंगे तो आपके आ जाएगा अकाउंट नंबर जो भी है सारा कुछ आपका फुल डिटेल आ जाएगा। तो उसके आगे आपको डेबिट कार्ड का भी डिटेल आपको देना है, पूरा डिटेल आ जाएगा यहाँ पे। आपको डेबिट कार्ड नीचे भी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आपको बोला जाएगा, तो आप डेबिट कार्ड पर भी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नीचे पे सिलेक्ट दिस बैंक अकाउंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट दिस बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। लास्ट के 6 डिजिट कार्ड आपको यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद आपका एक्सपायरी जो भी है मान लीजिए अगर 11/2029 तक है तो 11/29 आपको यहाँ पे आपको मंथ और एक्सपायरी में आपको डालना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, इसके आगे आपको नेक्स्ट करना है, यानी कि गो टू होम जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे इनका इंटरफेस आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेंड, कलेक्ट, ये लोड और रिडीम, चार ऑप्शन यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। ऊपर में आपको जो यहाँ पे करेंट बैलेंस जो भी आपका रहेगा वो करेंट बैलेंस ऊपर पे आपको शो करेगा। अभी इस पे कोई भी बैलेंस मेरा नहीं है तो आप यहाँ पे लोड का ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे आप लोड पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट से यहाँ पे लोड भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम 2,500 रुपए का अगर लोड करते हैं तो उस पे दिखेगा कैसे, वही आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे साइड स्क्रीन में सारा कुछ आपको दिखेगा। दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, नोट्स और कॉइन। ऊपर में आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर 20 रुपए का आप अपने अकाउंट से लोड करते हैं तो 20 रुपए इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। अगर आप 5 रुपए, 10 रुपए आप कॉइन में लोड करना चाहते हैं तो आपको कॉइन पर क्लिक करना होगा, वहां से आप जाके कॉइन अपलोड मतलब लोड कर सकते हैं। जैसे आप स्वैप ओप करेंगे वहां पे आपको दिखेगा और लोड आपका अकाउंट से कट जाएगा। इसको आप कहीं भी QR कोड से स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं।